अस्सलाम वालेकुम, मेरा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शायरी, जैसा कि आप सब जानते हैं। और आज जो है वो आर्म्स के लिए मैं एक वर्कआउट लेके आया हूँ। हमारे आर्म्स का 70% ऑलमोस्ट 70% हिस्सा जो बिल्डअप करता है वो है ट्राइसेप, और आज हम उसी मसल की गेम लगाएंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गो टूवर्ड्स द गेम। जी, तो ट्राइसेप के लिए हमारे पास जो पहली गेम है, पहला जो वर्कआउट है हमारे ट्राइसेप को बिल्ड करने के लिए, वो है एलिवेटेड पाइक पुशअप्स। जी, तो एलिवेटेड पाइक पुशअप के लिए आपको मैं अभी पोजीशन बताने लगा हूँ, गौर कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आपने जो भी सरफेस लिया है, बेड चुना है आपने, कुर्सी में जो कुछ भी जो भी आपने चुना है, उसके ऊपर आपने अपनी टांगे रखनी है और अपने जो हैंड्स हैं यानी कि अपनी लोअर बॉडी वाला हिस्सा उस सरफेस के ऊपर और अपने अपर बॉडी वाला हिस्सा ज़मीन के ऊपर। अभी जैसे आपको करके ध्यान लगाऊं, इस तरीके से आपकी पोजीशन होनी है, एंकल से लेके आपके हिप्स तक लेग स्ट्रेट, और उसके बाद हिप से लेके आपके हैंड्स तक अपर बॉडी आपकी स्ट्रेट, और उसके बाद आप एलिवेटेड फाइव पोजिशन लगाएंगे। वी विल डू 15 रैप्स, वी विल डू 15 रैप्स ऑफ दिस गेम। ये थे हमारी पहली गेम, इसके आपको लगाने हैं 3 सेट्स और 15 रैप्स। मैंने आपको समझ 15 रैप्स लगाए हैं, आपको भी इसी तरीके से 15 रैप्स लगाने हैं। ये जो गेम मैंने आपको भी लगा के दिखाई है, ये अब आप पूछेंगे जी अफेक्ट किस पे कर दिया है, ट्राइसेप का जो ये वाला पोर्शन होता है, जो इसका ये वाला पार्ट है ट्राइसेप का, जिसे हम आई थिंक शॉर्ट हेड कहते हैं, उसके ऊपर ट्रिगर करती है, उसको टारगेट करती है ये गेम। एंड अवर सेकेंड गेम इज़ डायमंड शेप पुशअप। और अब डायमंड शेप पुशअप मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो, अगर नहीं देखी तो यहाँ पे कहीं मैं लिंक दे देता हूँ, उधर से देख लें, लेकिन अभी भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, तो आपको अभी भी पता लग जाएगा कि डायमंड शेप पुशअप क्या है। अब जैसा कि नाम से वाजह है, डायमंड शेप पुशअप, ठीक है, दैट मीन्स कि आपको पुशअप पोजिशन में आना है, बट आपकी जो हैंड्स की पोजिशन होगी वो इस तरीके से होगी, और बाकी जो फॉर्मेशन है वो आपकी पुशअप वाली है, एंड देन यू डू द एक्सरसाइज। और अब मैं आपको 15 रैप्स करके दिखाऊंगा। अभी हाँ जी, ये हमारी सेकंड गेम थी डायमंड शेप पुशअप। मैंने आपको बताया कि जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये पुशअप्स हैं, तो पुशअप वाली पोजीशन में आकर ही हमने ये लगाने हैं, बस हाथों की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी फ़र्क है, दैट्स इट। अच्छा, अब आपको लगाने क्या है, आपको 3 सेट्स लगाने हैं और 15 रैप्स लगाने हैं ईच, ठीक हो गया। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स आवर थर्ड एक्सरसाइज, जो कि है बेंच डिप्स। अब बेंच डिप्स के लिए आपको क्या करना है, बेंच डिप्स के लिए आप अगेन कोई कुर्सी ले लें, कोई टेबल ले लें, बेड हो गया, चारपाई होगी, एनीथिंग दैट गोल्स, ठीक है। अब बेंच डिप्स के लिए पहले मैं आपको बता दूं कि वही सिस्टम है सारा, 15 रैप्स, 15 to 20 रैप्स और 3 सेट्स लगाने हैं, ठीक है। अब आपने जो भी सर्विस चुनी है, आई मीन टू से कि कुर्सी, मेज़, बेड, जो भी आपने चुना है, उसके ऊपर बैठ जाएँ। बैठने के बाद आपने अपनी वेस्ट, जो आपकी वेस्ट है, ठीक है, मतलब आपके जहाँ पे वेस्ट है उधर अपने हाथ रख लें। उसके बाद आपको ना अपना जो लोअर एरिया है उसको आगे निकाल लेना है, इस तरह हवा में। आपके जो पाँव होंगे या आपकी जो टांगें होंगी, या तो वो आप ज़मीन पर रखकर ही लगा सकते हैं, या अगर इससे भी एडवांस जाना है तो कोई बेंच रख लें, कोई एक और कुर्सी रख लें जिसके ऊपर आप अपने पाँव रखें, टांगे रखें, और उसके बाद ये गेम लगाएं। नाउ वी डू 15 रैप्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो बेंच डिप हमने लगाई है अभी, ये आपके जो टोटल ऑल ओवर आपका जो ट्राइसेप मसल है, आपका लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड,
इन दोनों को बिल्ड करने के लिए फ़ायदेमंद है। हमारी जो फोर्थ एक्सरसाइज है वो है स्कल क्रशर। स्कल क्रशर आई नो मोस्ट ऑफ यू कहेंगे कि भाई स्कल क्रशर तो बारबेल के साथ लगाया जाता है, लेकिन स्कल क्रशर अब आपके पास बारबेल अगर नहीं है तो उसके बगैर भी हम लगा सकते हैं, और अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उसके भी आपको 3 सेट्स ही लगाने हैं और 15 रैप्स लगाने हैं। तो जितनी भी टोटल गेम्स हैं आज की, उन सारों में आपने 3 सेट्स और 15 रैप्स लगाने हैं। जी, तो हमारी फोर्थ गेम जो है स्कल क्रशर, उसके लिए वही पहले की तरह कोई भी आपने जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, कोई बेड, चारपाई, व्हाटएवर, उसके ऊपर आपने अपने हाथ जो है वो रखने हैं। पुशअप पोजीशन में आना है, अपने जो हाथों की विड्थ है वो आपके शोल्डर विड्थ के बराबर होगी। अच्छा, जब आप अपने पुशअप पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा अपना जो आपका है ना एब्डोमिनल वाला एरिया, ठीक है, आपका जो पेट है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको थोड़ा टाइट करना है, और उसके बाद ये गेम लगानी है। अच्छा, अब हम इसके 15 रैप्स लगाएंगे। जी, आज की हमारी जो लास्ट गेम है वो ट्राइसेप की, उसमें मैंने आज तक वैसे उसके ऊपर सर्च किया है, मुझे मिली तो नहीं, मैंने कहीं देखा नहीं, लेकिन मैं वो गेम लगाता हूँ जिसने मुझे फ़ायदा दिया है। आपके इस एरिया पे जो मसल होता है, अक्सर लोगों को होता है ये चीज़ भाई मोटी है, फोरा मोटा, और ये जो है ना पतला सा होता है, इतना सूखा सा, उसको भरने के लिए, उस एरिए को, उस एरिए के मसल्स को बिल्ड करने के लिए जो गेम मैं लगाता हूँ, जो मुझे लगता है जिसने मुझे फ़ायदा दिया है, और मे भी पॉसिबल कि वो आपको भी फ़ायदा दे, वो मैं गेम आपको बताने लगा हूँ। उसके लिए हम बारबेल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप जो ओवरहेड एक्सटेंशन लगाते हैं उसका जो पकड़ने का अंदाज़ है बारबेल को, वो होता है कि आपने ऊपर से बारबेल को इस तरह पकड़ा और देन यू डू द यानी कि एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन जो गेम जिसने मुझे फ़ायदा दिया वो इसके ऑपोजिट है, वो है रिवर्स ग्रिप ओवरहेड एक्सटेंशन, ठीक हो गया। मैंने अब उसका नाम मतलब ऑब्वियसली यही होगा, मैंने सर्च वगैरह किया मुझे तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है यही गेम का नाम हो, बट स्टिल वट एवर गेम मैं आपको लगाने का तरीका बता रहा हूँ। अब जैसे आप बाइसेप की गेम लगाते हैं बारबेल के साथ, उस तरीके से आपने बारबेल को पकड़ना है और उसके बाद ओवरहेड एक्सटेंशन वाली पोजीशन में आ जाना है। देन यू डू ऑलमोस्ट 15 रैप्स आई थिंक। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप ये गेम लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये गेम पिछली जितनी भी गेम थी वो मेजरली आपके जो शॉर्ट हेड है उसके लिए थी। एक मैंने आपको बताया जो बेंच डिप्स था वो आपके ऑल ओवर ट्राइसेप के लिए, जो ये गेम है जो ओवरहेड एक्सटेंशन वाली गेम है, ये आपके जो लॉन्ग हेड होता है ट्राइसेप का उसके लिए होती है, ठीक हो गया। अब मैं आपको जो इसकी पोजिशनिंग में जो बात बताने लगा हूँ वो ये है कि अक्सर लोग होते हैं, उन्होंने, आप अगर मेरी कुड़ी देख सकते हैं, तो उन्होंने बारबेल पकड़ा होता है और उसके बाद वो गेम लगाते हो इस तरीके से। आप मेरे एल्बोज़ को देख सकते हैं वो कितना आउटवर्ड खुली हुई है, ये एक रॉन्ग तरीका है। या देखो, जब आपके मसल्स बिल्ड हो जाते हैं ना तो तब जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मसल थोड़ा सा पम्प भी हो ना तो हमारी बाजुएं भी पीछे नहीं आती, क्योंकि वो फुल एक लिमिट तक आया होता है। जब बिल्ड जो हो चुका हुआ है उस वक्त अगर आप कहो कि यार वो बंदा इस तरह नहीं कर रहा, तब बेवकूफ़ी है। लेकिन अब अभी आपने स्टार्ट की है गेम, अभी आपके मसल पंप तक नहीं होते इस उस लिमिट तक कि आपको जी कि हमारी कोनी अंदर नहीं जा रही, तो ये दैट इज़ द इशू, ठीक है ना। इस इशू को ठीक करो, अपने इस प्रॉब्लम को ठीक करो, कोनियाँ अपनी अंदर रखो इस तरीके से, और उसके बाद अपनी ओवरहेड एक्सटेंशन वाली गेम लगाओ, ताकि आपके जो ये वाले जो मसल हैं, ठीक है, ट्राइसेप्स के साथ जो आपको एल्बो को मैच कर रहे होते हैं, कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो वाले मसल्स आपके बिल्ड हो, और जो आपकी वो खामा पे खामी एक पैदा हुई होती है वो ठीक हो जाए।
जी तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, अभी जाइए और सब्सक्राइब करें, ये नीचे लाल बटन दबा दो, इट चौके मार दो होते हो, पर उन्होंने सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियोज़ की भी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। टिल वी मीट अगेन, अल्लाह हाफिज़, और मुझे भी दे इजाज़त, बाय बाय।